राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम हैं इस वक्त बरसाना में और आपको लेकर के चलते हैं बरसाना की परिक्रमा पर। उस परिक्रमा को आप इतने आसानी से लगा पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए आज हम परिक्रमा लगाते हैं बरसाना की परिक्रमा। ये मुख्य द्वार है राधा रानी जी के प्रवेश के लिए। और ये आप बरसाना देख रहे हैं राधा रानी जी के मंदिर से, पूरा बरसाना दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। और ये अंदर प्रांगण जिसमें फोटो खींचना बिल्कुल मना है। यह जो स्थान देख रहे हैं इसका नाम है सांकरी खोर, यानी कि ये रास्ता जो है बहुत संकरा है, इसलिए इसका नाम सांकरी खोर रखा गया। यहाँ पर बरसाना और इधर नंदगांव, दोनों से राधा रानी आती थी और यहाँ ग्वाले उनके दूध दही को लूट लिया करते थे। आराम से ये साकरी खोर पास की हमने और अब आगे बढ़ गए हैं। जैसे ही हम सांकरी खोर पार करते हैं, सांकर खोर पार करते हैं, वैसे ही चित्रा सखी का गांव आ जाता है जिसका नाम है चिकसौली। अब हम चिकसौली से गुजर रहे हैं। आप भी अगर राधा रानी की परिक्रमा करेंगे, बरसाना की परिक्रमा करेंगे, तो आप भी चिकसौली से निकलेंगे। ये जो परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा का रास्ता ढूंढना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हर जगह पर आपको यह बोर्ड लगी हुई मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर लगा राधेरा। ये गहवर वन है और हम इसी में घूम रहे हैं आज। चलिए इसकी कहानी आपको बताते हैं। अपने मन से चित्र बनाते थे, कहते हैं कि आज गंगा जी हूँ, वही हो जाता था। तो उनको आठों सखन का भाव हुआ कि चना के घोरा खाएंगे। हिंदी में समझते हो ना, घोरा में समझती हो ना। तो चना जंग वन में कहाँ है,
बोले कि मैं केतन पकड़े हैं। तो एक सखा बोला मैं मधमंगल, तो भाई वहाँ तो टोकरी रहे लठ ले के। तो ठाकुर जी बोले तो मेरे संग चलो, मैं देख लूँगा टोकरी। उन्हें ले आया तो इस यहाँ सिंगार को उतार के और चना उखाड़ने चले गए। चना उखाड़ते पे टोकरी को नजर पड़ गई, तो रखवाली पे थी। बल्कि भाषा आए बोले मेरे भैया के सारे ले चले, ले चले। देव कृतार्थ रूपाय श्री राधा सरसेन में लोक के पद मोक्ष है, रम्य तीर्थाय तेन में श्री राधा सरोवर गह वन वन बरसाना। श्री राधा रानी की गोद भराई की रस्म, गहवरवन धाम की निकुंज लीलाओं का दर्शन, प्रिय प्रियता माँ जी के श्रृंगार स्थली के दर्शन। यहाँ पर राधा रानी भगवान प्यारे श्याम सुंदर नित्य प्रतिदिन 16 श्रृंगार करते हैं। कन्हैया जी भी गहवरवन में गोपी भाव में रहते हैं। गोपी भाव में होकर के कन्हैया जी सखियों के साथ रास भी करते हैं। या राधा रानी की गोद भराई की रस्म स्वयं माता यशोदा ने की थी, और फिर बंडीर वन बांट वृंदावन में ब्रह्मा जी ने राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह संपन्न कराया था। तो अब हम गहवर वन और गहवर कुंड देखने के बाद में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं कहां से ये रास्ता गुजरता है। यह मान मंदिर है गहवर वन का। और ये कुआं नहीं, एक बावड़ी है, और बावड़ी का जो सीढ़ियां हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ हैं। वो बावड़ी की सीढ़ियां ये हैं जो कुएं तक जाती हैं, लेकिन अब फिलहाल बंद कर दी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप जब राधा रानी से देखते हैं तो एक पास में एक मंदिर दिखाई देता है जिसे हम राधा रानी जी के महल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसे कुशल बिहारी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखिए, बहुत शानदार मंदिर है, अंदर देखिए। और राधा रानी जी और कृष्ण जी की बहुत सुंदर युगल जोड़ी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, और इसकी नक्काशी और कलाकारी राजस्थानी कला पर आधारित है। तो आइएगा जरूर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जब आप कुशल बिहारी जी के मंदिर से निकलेंगे तो थोड़ा आगे चलने पर आपको राधा रसोई मिलेगी, जहाँ पर आप अगर वहाँ पर भोजन प्रसाद उपलब्ध है तो आप कर सकते हैं। यह नई राधा रसोई है, पुरानी राधा रसोई मंदिर में ही है। और उससे आगे बढ़ेंगे तो आप सीधा राधा रानी जी के मंदिर पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से आपने यह परिक्रमा शुरू की थी। और फिर आपका जहाँ पर गंतव्य स्थल है या जहाँ भी आप रुके हुए हैं वहाँ पर जा सकते हैं। इस प्रकार आपकी यह परिक्रमा आसानी से संपूर्ण हो जाएगी। और इसी के साथ बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।